कारण हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वेदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रांची में बारिश हो रही है और ये सुबह का वेदर देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रोडक्टिव डे लगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण काफ़ी लेजी सा फील हो रहा था। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे बाय मेकिंग आवर ब्रेकफास्ट। सो आई एम मेकिंग हॉर्लिक्स। यूजुअली मैं 2 टेबल स्पून यूज़ करती हूँ लेकिन ये स्पून छोटा था इसलिए मैंने 3 स्पून यूज़ किए हैं। और मुझे दूध कुछ खास पसंद नहीं और मैंने बहुत पहले ही दूध पीना छोड़ दिया है। कभी कभी मन किया तो मैं पी लेती हूँ, तो मैं गर्म पानी में ऐसे ऐसे मिक्स कर लेती हूँ कोई भी ड्रिंक, चाहे बॉर्नविटा हो या हॉर्लिक्स हो। मम्मी ने आज ब्रेकफास्ट में कॉर्न बॉईल किए थे तो मैंने छील लिया और फिर उसमें अनियन और ग्रीन चिली, सॉल्ट और लेमन स्क्वीज करके मैंने वो ब्रेकफास्ट के लिए खाया है। यूजुअली हम फ्राई करके खाते हैं पर मन आज था कि बिना फ्राई किए ही खाऊं, क्योंकि ना फ्राई करने के बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है तो मुझे वो च्यू करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने आज सोचा कि आज ऐसे ही खाते हैं। तो आज की वीडियो वीओ वाली वीडियो होने वाली है क्योंकि हमारे घर के ऊपर काम चल रहा है, तो उससे बचने का एक ही उपाय था, वो है वीओ। मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा टेस्ट करेगा क्योंकि फिराय लाल, जहाँ मैं रहती हूँ रांची, फिराय लाल वहाँ है, इट्स द ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ रांची और वहाँ पे ऐसे स्टीम कॉर्ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने काफ़ी बारी खाया है वहाँ से तो एकदम वैसे ही टेस्ट करा था, बट मैंने इसमें बटर नहीं डाला। बटर अगर मैं डालती तो थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाता, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम बटर डालकर ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही खाते हैं। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसा पसंद है, स्टीम कॉर्न या फिर फ्राइड कॉर्न। A few moments later. Done with the shower, so I'll quickly share with you what products that I use. So it is Optimals by Oriflame. It is antioxidant booster with vitamin C and it's for all skin type. It's a 15 ml product. And then what I do is main ye cream leke isme 2 drops मैं अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी। सो द क्रीम विच आई एम यूजिंग इज ऑप्टिमल्स ग्लो राइज डे क्रीम विथ SPF 20 एंड इट्स ए 50 ग्राम प्रोडक्ट विच रिटेल्स फॉर ₹9.99 और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। सो आई विल टेक 3 ड्रॉप्स एंड देन आई विल ऐड माय क्रीम and then mix. कभी भी जब आप क्रीम लगाते हो ना तो ऐसे हाथ में लेकर प्रोडक्ट मिक्स मत करना या रब मत करना क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट फिर आपके हाथ में ही रह जाता है। सो जस्ट पुट द प्रोडक्ट ऐसे फेस में एंड देन मसाज एंड ब्लेंड द प्रोडक्ट। और क्रीम लगाते वक्त हम हमेशा अपने नेक को भूल जाते हैं, बट डू अप्लाई इट ऑन योर नेक एज वेल। उसके बाद आई विल अप्लाई माय आई क्रीम व्हिच इज ऑप्टिमल्स ग्लो राइज, इट्स फ्रॉम ओरिफ्लेम एज वेल। अभी समर के टाइम यू शुड डेफिनेटली अप्लाई आई क्रीम क्योंकि काफ़ी ड्राई हो जाता है आई एरिया, तो
आप ज़रूर आई क्रीम लगाना। एंड आफ्टर दैट आई अप्लाई माई मल्स मल्टी प्रोटेक्शन ऑर्बन यू वी डे शील्ड SPF 30। और ऐसा नहीं कि जब आप बाहर जा रहे हो तभी आप सनस्क्रीन लगाना, आप अगर घर में भी हो कहीं नहीं जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में सनलाइट एंटर कर ही रही है, तो इस वजह से आपको जब आप घर में भी हो तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डू चेक इट आउट। इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम, सो आई जस्ट गो एंड हैव माई लंच। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर माई लंच, दाल चावल और परवल या पटल की सब्जी, ये बिना पानी की मम्मी ने बनाई है मसाले से। और दाल में मैंने अच्छे से घी डाल लिया है और साथ में लेमन, क्योंकि बिना नींबू का खाना अधूरा सा लगता है। So let's have this delicious meal. तो ये जो परवल है वो पटना का है, और ऐसा कहा जाता है कि जो पटना के जो परवल होते हैं वो टेस्ट में और दिखने में भी काफ़ी अलग होते हैं, तो हमारे घर में पटना वाले पटल आते हैं। और मम्मी ने इसे लहसुन अदरक और मिर्च साथ में पीस लिया था, और फिर उसी के मसाले में ये ड्राई पका है विदाउट वाटर। और ये भुनने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि पानी डालने के बाद तो सारी सब्जियां तुरंत पक ही जाती है। मुझे ग्रेवी वाले परवल नहीं ज़्यादा पसंद नहीं आते, हल्का सा लटपट रहे तो चलेगा। ये मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी टाइम बाद मम्मी ने बनाया। तो मुझे राइट साइड से च्यू करने में थोड़ी ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राइट साइड मेरी सर्जरी हुई थी और वो आदत हो गई, क्योंकि लेफ़्ट साइड से मैं च्यू करती थी। सो इट्स वियर्ड क्योंकि मैं एक साइड से ही च्यू करती हूँ। डन विद द लंच। अ फ्यू आवर्स लेटर। सो राइट नाउ इट्स 5:30 और मुझे कुछ मीठा खाने का मन था, तो मैं खा रही हूँ वाटरमेलन, जो कि काफ़ी बड़ा था, ऑलमोस्ट 10 kg। और अगर साइज में बताऊँ तो स्कूटी के डिक्की में जितना स्पेस होता है वो उतना बड़ा था। काफ़ी मीठा है। बाय द वे इट्स रेनिंग, बारिश ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। I'll show you. धूप तेज है और बारिश हो रही है। काफ़ी सुंदर लाइटिंग है। सनसेट इज द बेस्ट टाइम टू शूट। लेटर दैट सेम इवनिंग।